मेरे अति प्रियो प्रभु येसु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुंदर जगह है ना? जी हाँ, समुद्र के किनारे श्रीलंका। परमेश्वर ने सुंदर ढंग से इस श्रीलंका को बनाया है। परमेश्वर की सृष्टि में कितनी सुंदरता को देखिए। यहाँ से बात करना, आपके लिए प्रचार करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए आज यहाँ से मैं आपसे प्रचार करने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर रहने वालों के लिए मैं स्तुति करता हूँ। परमेश्वर आज यहाँ से एक वचन के द्वारा बात करने के लिए चाहता है। भजन 138 का सातवां वचन में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। दाऊद नामक भक्त कहता है, चाहे मैं क्लेश में रहूं तो परमेश्वर मुझे जिलाने वाला है। शायद आपके जीवन में आप दुखों में है ना, परमेश्वर आपको जिलाएगा। आपके काम में साथ में रहने वाले या जहां रहते हैं आप बहुत संकट के साथ हैं ना, आप कभी चिंता नहीं करना है। चारों तरफ में आपको संकट है। जिंदगी का मतलब सुख और दुख दोनों मिलकर जिंदगी दोनों रहता है। जिंदगी में दुख और सुख दोनों मिलकर चलता है। एक भक्त कहता है, मैं क्लेश में रहता हूं, मेरे लिए ये बला है करके परमेश्वर का भक्त कहता है। जब संकट आता है तबे हमें पता चलता है परमेश्वर हमारी कितनी नजदीक है। जब दुखों में तकलीफ में संकट में रहते हैं तब परमेश्वर की उसकी सुरक्षा को उसकी बातों को महसूस करेंगे। क्लेश में रहने से ही परमेश्वर की नजदीक में कितना जाते हैं उतनी ही परमेश्वर हमें फिर से वो जिलाएगा। मैं अपने जीवन को फिर से मोड़ के देखते हैं, मैं अपने जीवन में कितने जो है दुखों में, निंदा में, परेशानी में, कितने क्लेश में रहते हैं, सारी बातों में परमेश्वर मुझे मेरे साथ रहकर उन्होंने मुझको अगुवाई किया। इसलिए आपके जीवन में जो तकलीफ आती है उसको देख के परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है। दुखों में तकलीफ में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपको जिलाएगा। मेरा बेटा, मेरे बेटी, तू इतने दुखों में क्या निराश और परेशानी में है ना, तो परमेश्वर कहता है, इतने तकलीफ में परेशानी में है ना, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे संग हमेशा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें अगुवाई करता हूँ। इसलिए क्लेश में कभी दुखित नहीं होना। लेकिन आप कहते हैं एक क्लेश के बाद ऐसे ही बार बार मैं सताया जा रहा हूं, कहते हैं ना, आप धन्य पुरुष है। ये क्लेश, ये दुख दुनिया में खत्म नहीं होगा। जिनको अपने अपने दुख हिसाब से वो दुख आता है, पढ़ने के वक्त में, बिजनेस करने के वक्त में, जहां रहते हैं वहां ये क्लेश हमेशा पीछा करेगा। पढ़ने वालों के लिए दुख अलग से है, बिजनेस करने वालों को उनके हिसाब से दुख होती है। आप पढ़ते हैं या बिजनेस करते हैं, दुख तकलीफ में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे संग रहता हूं। वैसे ही परमेश्वर इतना साल तक मेरे संग रहा और अगुवाई किया, और उसने मेरे हाथ पकड़ के अगुवाई किया। दुखों में परमेश्वर मेरे हाथ नहीं छोड़ा, मेरे सिर को उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया है, मेरे हाथ पकड़ के अगुवाई किया। तब क्यों आप निराश में है? जब कभी आप दुखों में आप होके चलते हैं, आप कहना है परमेश्वर मुझे जिलाने वाला, ऐसे कहने से आपका दुख जो है आपसे दूर चला जाएगा। क्या आज हम सब मिलकर कहेंगे ऐसे ही हाथ उठा के परमेश्वर से? हम कहेंगे, परमेश्वर तू मुझको दुखों के बीच में अगुवाई किया, और परमेश्वर तू मुझे दुखों के बीच में तू जिलाने वाला, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन आमीन।